मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपकी क्लास सिक्स के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर महीना नंबर चल रहा था, ठीक है। इसमें अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी, ठीक है। और उसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके ऊपर जो एक्सरसाइज होगी वो करेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में पहले आता है कंपेयरिंग नंबर, ठीक है। जब भी कोई दो नंबर को अपने कंपेयर करना होता है, कंपेयर करने का मतलब होता है कि उसमें से हमें ये देखना होता है कि वो जो दो नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, या फिर दोनों नंबर इक्वल है, ठीक है। वो हम कैसे पता लगाएंगे, उसी को हम बोलते हैं कंपेयरिंग नंबर, ठीक है। ये सिंपल सा होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ग्रेटर देन को, यानी ये को जिस तरफ बड़ा जिस तरफ खुला है वो नंबर बड़ा होता है, और छोटा को जिस तरफ होता है वो नंबर छोटा होता है। ये नंबर ये सिंपल सा होता है स्मॉलर देन के लिए होता है, यानी ये छोटा को इधर वाला नंबर जो होगा वो स्मॉलर देन होगा उधर बड़े वाले नंबर वाला ग्रेटर देन से, ठीक है, उससे स्मॉलर रहेगा। और ये जो सिंपल है वो इक्वल टू के लिए होता है, मतलब दो नंबर जो आपके बराबर है ये शो करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें दो केस बनता है। एक केस जो है फर्स्ट वो ही कहता है कि काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, आपको नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते समय वो आपकी एक ज्यादा आती है, ठीक है, मतलब नंबर मोर डिजिट्स, ठीक है। अगर दो नंबर से काउंट की तो जिसमें अगर किसी भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा आती है काउंटिंग में, वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी कंपेयर नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये रखा 5421, 5421 इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 5 है, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं 4321 इसमें नंबर ऑफ डिजिट 54, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस 54321 4321, ठीक है। ये हो गया, ये थोड़ा इजी लगता है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट देखते हैं आपको आंसर आता है। सेकंड केस होता है उसमें होता है नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, ठीक है। जब आपकी नंबर ऑफ डिजिट सेम होती है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, कंपेयर द डिजिट, ठीक है। जब उनको कंपेयर द डिजिट फ्रॉम राइट मोस्ट मतलब सबसे इनर से हमें कंपेयर करना है डिजिट को, उसमें क्या होता है नंबर बिगर डिजिट इज बिगर, ठीक है। वो नंबर जिसमें डिजिट आपकी क्या है बिगर है बड़ी है, वो नंबर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। जैसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट काम करेंगे, केस फर्स्ट को चेक करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, देखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों में क्या है 5 5 डिजिट है, उसके हिसाब से क्या करेंगे, पहले से पहले डिजिट चेक करेंगे 5 से 5 बराबर है बच जाएगा 4 और 3 में कौन बड़ा है 4 बड़ा है, मतलब ये नंबर बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब 54321 इज ग्रेटर देन 53421, ठीक है। इस प्रकार से हम नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं आपस में। अगर ये भी बराबर होते तो हम अगले डिजिट को चेक करते हैं, वो भी बराबर होते तो और अगले को करते हैं, वो भी बराबर होते तो और अगले को करते हैं, लास्ट डिजिट तक आपको जाके चेक करना होता है। कई कई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, अगर सारी की सारी डिजिट इक्वल हो जाती है तो उस केस में क्या हो जाता है नंबर दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड ऑर्डर के कांसेप्ट का। सेकंड ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, मतलब इसमें नंबर जो होते हैं वो छोटे से बड़े लिखे जाते हैं, ठीक है। ये है इसमें क्या होता है अरेंज द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है। नंबर को आपको क्या करना है स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ लेके जाना है, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। इसमें देखो ये एरो पे कह रहा है नीचे से ऊपर, यानी छोटे से बड़े की तरफ। एग्जांपल इसका क्या है 432 और 3 44 बड़े से छोटे की तरफ नंबर को लेके जाना है, अरेंज करना है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 531 351 और 151, ठीक है। इन एग्जांपल्स के अंदर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो देखिए सबसे छोटा नंबर जो होगा इन तीनों में, ठीक है, वो कौन सा ये है, उससे बड़ा नंबर ये है और सबसे बड़ा नंबर ये है। और इसमें लेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना होता है तो सबसे पहले इसको देखेंगे 531 को, फिर इसको देखेंगे 351 को, फिर इसको लिखेंगे 151 को, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, 531 इज ग्रेटर देन 351 इज ग्रेटर देन 151, ठीक है। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर जो है अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट कांसेप्ट आपका सक्सेसर का। सक्सेसर का मतलब होता है कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसमें प्लस 1 करना होता है, ठीक है। जैसे नंबर 7 दिया है उसमें प्लस 1 करूंगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इट मींस ए इज द सक्सेसर ऑफ 7, 8 जो है वो 7 का सक्सेसर। नंबर 9 में जो इस तरफ आते हैं, ठीक है, इस तरफ वो आपके सक्सेसर होते हैं किसी भी नंबर के, और नंबर के जो उस तरफ आते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं प्रेडिसेसर, ठीक है। प्रेडिसेसर क्या होता है नंबर -1, ठीक है, मगर इसमें +1 और -1 ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। इसमें एग्जाम्पल क्या है 7 -1 7 -1 आपको कितना हो जाएगा 6 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 7, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। आप किसी भी आपको 7
उसके बाद में आती है आपकी एक्सरसाइज 1B, ठीक है, जो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।